नेट ठीक है क्या? यहाँ लगा देता हूँ, रेडी हो गया। दोस्तों अभी हम लोग हैं क्या ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिप्टी कमिश्नर तालोपुतम साहब का साथ में, और आप लोग सबको पता है कि कल 27 तारीख है, दिसंबर का 27 तारीख है, और ईटानगर में 12 घंटा का कैपिटल बंद डिक्लेयर किया है ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने विथ रिगार्ड्स टू जो महा जोर से जो आप लोग सुन रहा है और फेमस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज वाला इशू है, और बहुत सीरियस इशू है, इशू तो बहुत सीरियस है और पूरा अरुणाचल चिंतित है। और आपको बता दें कि दो दिन पहले भी पासीघाट बंद हुआ था इसी सिलसिले में, और कल जो है कैपिटल बंद है। तो इसी कैपिटल बंद के लिए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल पुलिस और पूरा स्टेट गवर्नमेंट लगा हुआ है कि अब कि शांतिपूर्वक हो बंद को, लिया बंद को ना हो। और कल हम लोग ने जहाँ तक आपको बता दें कि कल बामंग फेलिक्स और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा होम मिनिस्टर का साथ में मीटिंग भी हुआ था, और मीटिंग का डिटेल्स आज 3 बजे आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि तालोपुतम साहब जो हमारा DC साहब है उनका तरफ से क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स उनका अंदर में आता है, बंदर द्वार से लेकर होलोनी पहुंचने तक। पुतम साहब थोड़ा सा ईटानगर का जनता को थोड़ा बताइए कि क्या क्या तैयारी है, क्योंकि जब बंद बोलता है तो लोगों में एक डर सा पैदा हो जाता है, तो इसीलिए वो डर को बंद है नहीं है, और यदि है तो आप लोगों का क्या तैयारी है, थोड़ा सा ईटानगर का जनता लोग को बता दीजिए। बात जो है डर का, हमें तो ऐसे नहीं लगता है कोई डरना चाहिए। एक सिविलाइज सोसाइटी है और हमारा पास इतना कानून है, और इस कानून और हमारा सिविलाइजेशन जो है, तो किसी को डराना धमकाना ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। और आपका जो भी सोच विचार है, डिमांड है, जायज़ है या ना जायज़ है, इसका बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन समाज में शांति बना के रखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और पब्लिक का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हमारा मीडिया दोस्त लोग आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है। और जैसे जैसे कोई ऐसे समाचार मिलता है कि बंद कॉल कोई संगठन या कोई इंडिविजुअल ये करने जा रहा है, तो उस मुताबिक से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना तैयारी करता है। तो हमें जब सूचना मिला तो हमने 24 दिसंबर को 22 में अपना ऑर्डर जारी किया, इस बंद कॉल को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए। ऑर्डर जो है अंडर सेक्शन 144 CRPC रीड विथ अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल जो एक्ट है उसका अंदर में हमने ऑर्डर को प्रमुलगेट किया। हमारा ऑर्डर इस प्रकार से है, आप रीड करने से बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑर्डर जो है 24 दिसंबर 2022 का है, अंडर सेक्शन 144 CRPC रीड विथ अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट जो है, वेरेस 12 आवर्स कैपिटल कॉम्प्लेक्स बंद हैज़ बीन कॉल्ड बाय ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ऑन 27 दिसंबर 2022, मतलब कल, फ्रॉम 5 AM टू 5 PM फॉर वेरियस डिमांड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वेरेस सच बंद कॉल कॉजेस अनटोल्ड मिजरी एंड हार्डशिप स्पेशली to the suffering patients, students, business community in particular, and public at large. Whereas the Honorable Supreme Court of India, in the Civil Appeal number 7728/29/1997, CPI versus Bharat Kumar and others, has declared any bond call by any political parties
organizations or associations or group or individuals as unconstitutional and illegal. And whereas fundamental rights of the common citizens to livelihood under Article 21 of the Constitution of India is violated by such coercive bond calls. And whereas in accordance with the government notification HMB under bracket B 43 of 2000 part 51 dated 22-1-2015, the Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014, Act number 14 of 2014 has come into force with effect from 26 January 2015. And whereas such bond calls in Itanagar capital region have led to unpleasant law and order situation resulting into loss of lives and properties in the past and huge economic losses. And whereas it is expedient to declare the proposed 12 hours bond call dated 27 December 2022 given by all Nisi Students Union ANSU as illegal, unlawful activity as prohibited under the law. Now therefore, I Sri Talaputum, Deputy Commissioner cum District Magistrate, Itanagar Capital Region, in exercise of powers conferred under Section 144 CRPC, read with Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014, do hereby declare the said bond call proposed by All Nisi Students Union ANSU on 27th December 2022 from 5 a.m. to 5 p.m. is illegal, and accordingly, I do hereby direct the said organization to refrain, desist from enforcing the proposed bond call, and direct it to call off. Violators of this order shall be viewed seriously, and penal action shall be taken as per the law. Further, it is hereby ordered that any damage or destruction to public or private properties shall be recovered from the bond callers if proposed bond call is not called off. The superintendent of police capital and executive magistrates are enjoined upon to enforce this order. Ye ek illegal and unlawful, and yahan mein supreme court ka order ko leke aur hamara yahan Itanagar mein such bond calls ne kitna life aur property ko damage kiya. Aur ye sirf nahi hai, jo डे टू डे डेली वेज अर्नर्स लोग होता है, डेली अर्नर्स लोग होता है, उनका भी बहुत तकलीफ होता है. और गति में, जो डेवलपमेंट का गति में भी इसमें बहुत रोक होता है. और इसके लिए लॉफुल जो काम नहीं है उसको ऊपर में कोई भी अगर पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई डैमेज होता है, बंद कॉलर्स लोग ही रिस्पॉन्सिबल होगा. उनका ऊपर में जो पिनल सेक्शन होता है वो अट्रैक्ट किया जाएगा. तो इसके अलावा हमारा जो अरेंजमेंट है, जैसे ही हमें जो कवर मिलता है, ये हमने एक टेम्प्रोरी जेल भी हमने ऑर्डर में डाल दिया है हमारा मैनेजमेंट का अंदर में. इस ऑर्डर का मुताबिक से वेयर एज 12 आवर्स कैपिटल बंड हैज़ बीन कॉल्ड बाय ANSU ऑन 27 December 2022 from 5 to 5 p.m. the various demands to the government of Arunachal Pradesh. So iske, and whereas it may be necessary to detain large number of people who indulge in unlawful activities and to tackle law and order problems in capital complex, therefore I Sri Talaputum district magistrate capital Itanagar do hereby declare the Kendra Vidyalay number 2 Itanagar and Rajiv Gandhi Stadium Naharlagan, Nikumnia Hall Nirjuli, Nikumnia Community Hall Bandardwa as a temporary jail detention center until further order. तो हमने इसके लिए भी काफ़ी बंदोबस्त कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से तो हमारा यह बंदोबस्त रहेगा. तो इस हिसाब से अभी इस सिचुएशन में अभी जो एक और कोशिश यही हमारा रहा कि जो आर्म्स दुकान है वो भी बंद रहेगा, और जो दारू का दुकान है वो भी बंद रहेगा.
क्योंकि फिर पहले भी एरा एक्सपीरियंस है कि एक आर्म्स दुकान को भी ये हुआ था, तो वन कॉलर्स लुक नहीं होने से भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट भी कर सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशन मेजर्स में हमने वो आर्म्स दुकान और दारू का दुकान को भी हम क्लोज कर दिया है। तो इसके अलावा अभी ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आप स्टूडेंट से भी हो सकता है, पब्लिक से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो जरब हो जाने से चोट भी पहुंच सकता है या कहीं ऐसे लग सकता है, अपना ड्यूटी में घूमते घूमते गिर के भी चोट पहुंच सकता है। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को ये गाड़ी का बंदोबस्त, एम्बुलेंस का बंदोबस्त के लिए भी डायरेक्शन दे दिया है, ताकि कुछ भी ऐसे सिचुएशन आता है तो उसका सफिशेंट मेडिकल टीम विथ इक्विपमेंट्स और तैयारी हम करने के लिए वो डायरेक्शन दे दिया है। तो इसके अलावा हमने ये एक डायरेक्शन भी दे दिया कि जितने भी रास्ता में टायर्स वगैरह होता है सबको रिमूव करने के लिए उस दिन 24 से ऑर्डर हम जारी कर दिया है, ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है इससे बन कॉल का पैदा होता के कहीं आग साग लगा के कुछ प्रॉब्लम ना करे। तो इसके अलावा अभी हमने जो वाइन शॉप जो बेचता है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसे तो मैंने बंद करने के लिए बोल दिया है उन लोग बच्चा लोग को या कोई ऐसे लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, ताकि वो लोग पी के थोड़ा होश में नहीं होगा, सड़क पे घूमेगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हमारा जो पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट का साथ साथ हमारा मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। हमारा पुलिस ने ये आपको काफ़ी जोन में डिक्लेयर करके रख, जोन में डिवाइड किया है हमारा डिप्लॉयमेंट जो है, तो इस हिसाब से जोन वन, जोन टू, जोन थ्री करके सब डिप्लॉयमेंट है। उसका साथ में हमारा अभी मजिस्ट्रेट को भी डिप्लॉय किया है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, और रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम नहीं होने के लिए पब्लिक भी समझदारी से काम करना चाहिए, और पुलिस भी करना चाहिए, और मजिस्ट्रेट भी करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए, ताकि कोई ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी हमारा ब्रीफिंग अपना मजिस्ट्रेट से भी कर रहा हूँ कि सिचुएशन को बहुत टेक्टफुली और इंटेलिजेंटली और कॉल्मली और हैंडल करना चाहिए। सर इसके अलावा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इशू जो है बहुत सीरियस इशू है और पूरा अरुणाचल के लोगों को दिल को बहुत बड़ा एक झटका पहुंचाया है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज वाला केस है, आप ज़रूर इलीगल डिक्लेयर किए, क्योंकि आपका आपका ऊपर में एक कानून का एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, बींग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बींग ए डिप्टी कमिश्नर, लेकिन एज ए इंडिविजुअल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एज ए तालुक उत्तम इंडिविजुअल ऑफ अरुणाचली, बींग एन अरुणाचली, आपको कितना लगता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, क्योंकि पेमा खांडू से लेके आप खुद भी परेशान हैं और चीफ सेक्रेटरी से लेके इन्वेस्टिगेशन अपना रास्ता में है, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत सीरियस इशू है और सबको चीटिंग कर दिया है, और दोबारा चीटिंग ना हो बल्कि हमारा स्टूडेंट यूनियन और काफ़ी यूनियन लोग हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पड़े हुए हैं। और जो भी हो, यहाँ जो सिचुएशन जो है इतना लोगों का समझ में शायद नहीं आ रहा है कि सरकार कितना मेहनत कर रहा है। तो इसी जो जानकारी को शायद दोनों पक्ष में नहीं हो पाया है क्या, पता नहीं मुझे तो। और मेरा जो समझ में जो आता है कि दोनों यहाँ जो है विक्टिम बोलो या वेल विशर्स बोलो, एस्पिरेंट का और जो कैंडिडेट का, उन लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी मीडिया में लोग बहुत मेहनत कर रहा है, और मीडिया में यही भी देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है, ऑनरेबल सीएम जो है, बियॉन्ड अपना जो कोशिश जो करना चाहिए उससे भी आगे बढ़ के काम कर रहा है।
तो मेरा सिर्फ भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि मैं यहाँ जजमेंटल नहीं हो सकता हूँ। मेरा सिर्फ प्रार्थना है कि दोनों का कोशिश जो हो रहा है वो कोशिश आर पार होके समझ में आ जाए, तो शायद ये बंद कल भी नहीं होगा। तो मैं प्रार्थना ही करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा आंशु और जितना भी एस्पिरेंट इस मुहिम में है वो लोग बात करें और सरकार से बात करें, और सरकार जहाँ बात करके कहीं प्रॉब्लम है उसको भी ये लोग भी समझे। समझना भी चाहिए कि सरकार जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कोशिश कर रहा है, शायद थोड़ा से डिले हो रहा है ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इसको भी आपस में क्लियर कर लेने से तो बन कॉल तो बिल्कुल होने का हमको दिखाई नहीं देता है। थोड़ी और कोशिश करें, अभी भी समय है, कल 5 बजे तक का समय है, तो अभी भी बहुत हमारा पास इतना आवर्स है। इस आवर्स में मेरे अपील है कि एक दूसरा को समझ के इस प्रॉब्लम को, क्योंकि दोनों ही पार्टी एक ही टारगेट रखा हुआ है और ये टारगेट में पहुंचने में जो कमियां है एक दूसरा को समझ के ये सॉल्व करके बंद कॉल में नहीं जाने से अच्छा है, मेरा अपील है। थैंक यू। बहुत मुश्किल सवाल पूछा है। 500 आदमी वॉच कर रहा था, 500।